नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप पुराना बाइक आप किसी को परचेज करने जा रहे हैं, यानी कि लेने जा रहे हैं दोस्तों, तो उसका गाड़ी का ऑनर कौन किसके नाम से है, गाड़ी के कितने दिन हो चुका, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का जो भी उसका पूरा डिटेल्स होता है उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी अपना देख सकते हैं कि मेरा कब एक्सपायर होगा। आप सारा चीज़ इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। आप गाड़ी का नंबर आप जान सकते हैं, किसी का गाड़ी का आप नंबर डाल के अभी चेक कर सकते हैं कोई मालिक कौन है। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं किस किसका नाम से ड्राइविंग लाइसेंस है। सारा चीज़ आप इसको जान सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों एक मैं ऐप को लोड कराऊंगा, वो ऐप आपके पास होना चाहिए। तो चलिए मैं एक ऐप को लोड कराता हूँ। हम लोग जाएंगे दोस्तों प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम लोग एक ऐप का नाम है दोस्तों एम परिवहन। एम परिवहन, इसके बाद इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। ये इंस्टॉल हो गया है दोस्तों और वो ओपन के लोकेशन पर ऑटोमेटिक चला गया है। और ये ओपन, यहाँ पर मैं यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है। आप एक अकाउंट को अब अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है दोस्तों, और आप आगे में बढ़ेंगे। यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश रखता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये कुछ ऐड आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर आना है दोस्तों। यहाँ पर जो देख रहे हैं थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन इन, सबसे पहले साइन इन करना है, और आपको एक मोबाइल नंबर अपना इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो कह रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ साइन इन पर आप में क्लिक करूँगा और पहले रजिस्टर्ड कर लूँगा। मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, साइन इन पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर मैंने और यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ओटीपी आएगा दोस्तों। आप यहाँ पर ओटीपी आपको आपको टाइप करना है। ओटीपी आ गया मेरे पास। और वेरीफाई पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको साइन अप पर क्लिक, यहाँ पर आपको आपका नाम ऊपर टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, साइन अप पर क्लिक करना है। तो देखिए मैंने अपना साइन ऐप साइन कर लिया। मैं अपने वेलकम टू एम परिवहन में आपको मैं आ गया हूँ। अब देखिए दोस्तों, आरसी क्या होता है और डीएल क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरसी मतलब होता है, आप आरसी का मतलब होता है दोस्तों कि आप गाड़ी का नंबर डाल के आपका पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। और डीएल का मतलब तो आप जानते हैं कि डीएल का नंबर डाल के उसका पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। आप कहीं भी अगर गाड़ी लेने जाते हैं दोस्तों, तो आरसी का गाड़ी नंबर टाइप करके चेक सकते हैं उसका ऑनर कौन है, गाड़ी कितना दिन हो गया, उसमें क्या क्या चलान क्या क्या लगा, उसमें सारा चीज़ देख सकते हैं। फिर मैं ईसी पाता हूँ, मैं पूरा यहाँ से आपको मैं
बताते चलता हूँ। आरसी का मतलब होता है कि आरसी का मतलब होता है कि गाड़ी का नंबर डाल के उस पर पूरा डिटेल्स आप इसको चेक कर सकते हैं। डीएल का नंबर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है डीएल का नंबर डाल के पूरा इसको चेक कर सकते हैं। सर्च डीएल विथ डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप डीएल का नंबर चेक कर सकते हैं। सर्च चालान आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पे टैक्स पे यानी कोई भी गाड़ी का आपको पे करना है टैक्स पे कर सकते हैं। ई इमरजेंसी सर्विस कर सकते हैं। पूरा आपको यहाँ से बताता चलता हूँ। आरसी डिटेल्स, तो आरसी डिटेल्स के यहाँ पर नंबर डालना है, जैसे आपको गाड़ी का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं गाड़ी का नंबर यहाँ पर गाड़ी का नंबर टाइप करके सर्च पर आपको क्या क्या करना है, सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं सर्च पर क्लिक किया दोस्तों, देखिए मेरे पास पूरा डिटेल्स खुलकर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लेंडर है, ठीक है ना, स्प्लेंडर प्लस है ये नाम है, ठीक है, और यहाँ पर आप इनका देख लीजिए सारा चीज है। रजिस्ट्रेशन डेट आपको नवंबर 2018, इंश्योरेंस इतना है, आपको ये सब सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप गाड़ी का आप यहाँ पे टोटल आप डिटेल्स चेक कर लिए। तो दोस्तों अब हम लोग गाड़ी का नंबर डाल के चेक कर लिए हैं। अब मैं आपको डीएल का नंबर यहाँ पर आपको डीएल यहाँ पर नंबर डाल दिएगा। एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर टाइप करके आप सर्च पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं सर्च डीएल नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डीएल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं फिर बैक जाता हूँ सर्च चालान, यहाँ पर से आपका आरसी नंबर आप यहाँ पर डाल के आपका सर्च चालान का भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको डीएल नंबर भी डाल के सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, मैं बाय बाय साहब आपको बताता हूँ। टैक्स पे, यहाँ पर आप टैक्स पे कर सकते हैं, टैक्स पेंडिंग भी ट्रांजेक्शन कर सकते, रिसिप्ट यानी निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं इमरजेंसी सर्विस, यहाँ से जो इमरजेंसी सर्विस है वो आपको लोकेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे आवर सर्विस में। आवर सर्विस में देखिए आपको यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से आप जो भी है आप यहाँ से टैक्स आप दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, डीएल का टेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। आप यहाँ से आप टेस्ट भी आप इसको जैसे इसमें से आपको टिक लगाना है, और टिक लगाने के आगे बढ़े टैक्स आप यहाँ से भी आप जैसे जो एग्जाम होता है उसका टैक्स का एग्जाम होता है उसका प्रैक्टिस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन को आते हैं। आप यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन भी आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप डीएल ये सब आप सारा चीज़ को आप देख सकते हैं। तो बस बहुत ईजी है दोस्तों। अगर आपको आरसी मतलब क्या होता है, आरसी का मतलब होता है कि आपने गाड़ी का नंबर टाइप करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और डीएल का नंबर होता है कि डीएल का नंबर यहाँ पर टाइप करके आप चेक कर सकते हैं, सर्च पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।